हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे। अगर आप भी मकान बनाना चाह रहे हो और सिंगल फ्लोर में अच्छी डिज़ाइन बनाना चाह रहे हो तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। इस वीडियो में हम समझेंगे 30 फीट बाय 42 फीट का वास्तु के अनुसार हाउस प्लान ग्राउंड फ्लोर का सिंगल मंजिल। स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे और इसका एलिवेशन भी हम देखेंगे। तो यह हमारा ग्राउंड फ्लोर का प्लान, जिसमें साइड में पोर्च हमने दिया हुआ है 11.5 फीट बाय 11 फीट का, और लेफ्ट साइड में यहाँ पर लिविंग हॉल प्लान करा हुआ है, जिसकी दो एंट्री यहाँ पर दी है। पहली एंट्री हमने फ्रंट से दी हुई है 17.5 बाय 16 फिट की, और सेकंड एंट्री हमने इधर पोर्च फॉयर से दी हुई है। और राइट साइड में यहाँ पे किचन प्लान करा हुआ है, जिसका साइज 10 फिट 10 इंच बाय 10 फिट 8 इंच दिया हुआ है। और किचन के पीछे हमने एक पूजा घर प्लान करा हुआ है, और पूजा घर के पास में हमने स्टेयरकेस चढ़ाव यहाँ पर प्लान करा हुआ है। उसके बाद इसके जस्ट सामने हमने लेट बाथ दोनों प्लान करे हुए। यह प्लान हमारा वास्तु के अनुसार है ग्राउंड फ्लोर का सिंगल मंजिल प्लान। और बैक साइड में यहाँ पर हमने प्लान करा हुआ है 2 बेडरूम, जिसका साइज 13.5 फीट बाय 13.5 फीट दिया हुआ है। दोनों का स्टैंडर्ड साइज़ यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद हम देखेंगे इसका ग्राउंड फ्लोर का एलिवेशन फ्रंट डिज़ाइन किस प्रकार से हमें बनाना चाहिए। सबका डाउट रहता है कि इसका फ्रंट एलिवेशन कैसे बनेगा, किस प्रकार से इसका डिज़ाइन बनेगा, किस प्रकार से आपका मकान शानदार दिखना चाहिए, बेस्ट लुक में बन जाए और सबसे सुपर हिट हमारा मकान लगे। तो यह हमारा है फ्रंट एलिवेशन, जिसमें ग्राउंड फ्लोर पर यह बना हुआ है। पोर्च में हमने डिज़ाइन बना हुआ है पूरा, और लेफ्ट साइड में यहाँ पर डबल गेट से एंट्री दी हुई है, और बीच में यहाँ पे हमने एक डबल हाइटेड टावर डिज़ाइन करा हुआ है। ये सिंपल एलिवेशन है और कम बजट का एलिवेशन, बहुत ही शानदार एलिवेशन है। इसी प्रकार मकान से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आगे भी आपको इसी प्रकार के वीडियो देखने को मिलते रहें। थैंक यू।